आम जनता हो या कोई वीआईपी, सभी बराबर हैं। ये बात सोलन बिजली बोर्ड ने साबित कर दी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिजली बोर्ड द्वारा सुबह ही तहसील की बिजली काट दी गई थी। इसके अलावा डीसी, एसडीएम, एसी टू डीसी और जिला सूचना अधिकारी कार्यालय को भी बिजली काटने का नोटिस जारी किया गया है। इन 5 सरकारी कार्यालयों ने बिजली बोर्ड का लाखों रुपए का बकाया देना है। इन्हें बिजली बोर्ड ने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही वे बकाया राशि जमा करवाएं, अन्यथा उनके बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। ये सोलन के इतिहास में पहली बार हुआ है जिसमें सरकारी कार्यालयों की बिजली काटने के आदेश जारी किए गए हैं। बिजली बोर्ड के अधीक्षण अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि सोलन के उनके द्वारा 5 सरकारी कार्यालयों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिस पर करीबन 53 लाख रुपए की देनदारियां हैं। उन्हें कई बार पहले अवगत करवाया गया था, लेकिन बिजली के बिल संबंधित विभागों ने जमा नहीं करवाए थे, इसलिए अब सभी को नोटिस जारी किए गए हैं। अगर 3 दिनों के भीतर ये बिजली के बिल जमा नहीं करवाते हैं तो इनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सोलन तहसील का कनेक्शन काट दिया गया था, लेकिन अधिकारी की मध्यस्थता के बाद कनेक्शन को सशर्त बहाल कर दिया गया है ताकि जनता का काम बाधित न हो। उन्होंने कहा कि सोलन की देनदारियां बढ़ने से सोलन बिजली बोर्ड की छवि भी राष्ट्रीय स्तर पर खराब है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के लिए आम जनता और अधिकारी सब एक समान हैं, इसलिए जो बिल अदा करेगा केवल उसे ही बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। सर, इसमें जो हमारे 5 ऑफिस हैं, जिनके ऑलमोस्ट हमारे पास 53 लाख के पेमेंट जो है पेंडिंग है, इसमें सबसे ज्यादा जो पेमेंट पेंडिंग है वो है तहसील ऑफिस की। तहसील ऑफिस के रफली 31.87 लाख की पेमेंट हमारी पेंडिंग है। सिमिलरली हमारे डीसी ऑफिस के अबाउट 10 लाख की पेमेंट पेंडिंग है, और डीसी ऑफिस के अलग ऑफिस में उसी के सब ऑफिस जैसे एसडीएम है, एनआईसी ऑफिस है, तो उनकी पेमेंट भी थोड़ी पेंडिंग है। इन टोटलिटी जो पेमेंट हमारे पास पेंडिंग है वो 53 लाख की, जैसे मैंने आपको बताया, पेंडिंग है। तो इसमें हमारे को बींग कमर्शियल और बींग हमारे जो ऐसे है कि प्रोग्रेस मॉनिटर हो रही लॉसेस को लेके हर कहीं हमारे रिफ्लेक्शंस होती हैं। जैसे सोलन टाउन है सर, इसके नेशनल पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होता है कि सोलन टाउन के आपके कितने लॉसेज है और टाउन किस नंबर पे आ रहा है। तो अगर से हमारी रिकवरीज खराब होती है तो हमारी रेटिंग वहां पर खराब होती है, जो हर महीने जाती है। तो इसके लिए हमें फिर डेफिनेटली, एक तो हमारा हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि लॉसेज जितने, तो नोटिसेज उनको दे दिए, और अगर से पेमेंट जमा नहीं होती तो डिस्कनेक्शन कर देंगे उनके। सर जैसे तहसील का कनेक्शन काट भी दिया गया था। सर, तहसील का कनेक्शन आज बाई चांस काट दिया था, ऑर्डर्स पहले इशू हुए थे, पर हमारी ये एक गाइडलाइंस है बड़ी क्लियर कि हम जो लाइट काटते हैं, अरे नेक्स्ट वर्किंग डे हो तो उसमें अलाउ नहीं करते लाइट काटना। तो वो थोड़ा सा हमारे से टेक्निकल फ्लॉ भी था उसमें कि कल जो है वर्किंग डे नहीं है, कल और परसों, तो आज का दिन हम डिस्कनेक्शन नहीं करना था। तो ऑब्वियसली उन्होंने स्पेशली एक रिक्वेस्ट भी की है कि हम विद इन 2 डेज हम पेमेंट आपकी कर देंगे, डीसी साहब ने भी अश्योर किया है, और पब्लिक को भी इनकन्वीनियंस ना हो, लोगों ने मैक्सिमम वहाँ सर्टिफिकेट्स बनाने, सारी चीजें करने हैं, तो हम सेकंड तक देख रहे हैं। अगर से नहीं पेमेंट्स आती तो 3rd को हम सारी लाइट्स काट देंगे इनके साथ। तो पांचों के पांचों ऑफिस की डेफिनेटली, अगर से पेमेंट्स नहीं आते तो यूनिफॉर्मिटी है, ला तो सबके लिए बराबर है सर, चाहे कोई भी है, चाहे सेम है, ला के एक्ट तो अपने आप को किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं करता।